अच्छा, वैसे तो मेरा आर्ट्स और म्यूज़िक से कोई लेना देना है नहीं खास, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ना ओपरा हाउस की, ये वैसे ही मुझे प्यारी लगती है, पता नहीं क्यों। मतलब जब भी मैं सामने मेन रोड से गुजरते हुए इसको देखता था तो दिल में एक चाह आती थी कि यार इसको देखूंगा एक दिन, ज़रूर तसल्ली से सुकून से घूमूंगा। तो आज वो दिन फाइनली आ गया। 10 साल हो गए मुझे ऑलमोस्ट ओमान में, लेकिन टुडे फर्स्ट टाइम लाइक मैं इसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और रीज़न मैंने आपको बता दिया कि मेरा आर्ट से या कोई अपना म्यूज़िक से कोई ख़ास लगाव नहीं है, तो इसलिए। लेकिन मुझे मोहब्बत है इस बिल्डिंग से, क्योंकि ये बिल्डिंग सुल्तान काबूस, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, उनकी बनाई हुई है। और उन्हें क्योंकि लगाव था तो रॉयल ओपरा हाउस है, बेसिकली रॉयल टच इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है। और ये कंटेम्प्रेरी आर्ट जो है ये उसका एक शाहकार है मस्कत में। और ओमान की चंद एक अच्छी जो बेहतरीन फंटास्टिक, वैसे तो खैर पूरा ओमान ही बेहतरीन और फंटास्टिक है, लेकिन चंद एक जो बेहतरीन और फंटास्टिक आर्किटेक्चर्स हैं उनमें से ये एक है, मतलब परफेक्ट है। इसके अंदर शॉपिंग भी है, इसके अंदर डाइनिंग भी है, इसके अंदर म्यूज़िक कंसर्ट्स के जो है हॉल्स भी हैं, इसके अंदर जो इनका ट्रेडिशनल एम्पी थिएटर है वो भी है इसके अंदर। मतलब आपको तकरीबन सारी चीज़ें ही मिल जाती हैं। अगर आपको चिल आउट करना है तो अच्छी बेहतरीन कॉफ़ी शॉप्स हैं इसके अंदर, आप कैफ़े वगैरह हैं उस पर इंजॉय कर सकते हैं। और जॉर्जियो अरमानी की ओनली जो आउटलेट है ओमान में वो इस हाउस के अंदर ही है वहाँ पे। अब इन्होंने एक ब्रिज बना दिया है, उस ब्रिज से इसको जोड़ दिया एक रोड से दूसरी रोड, मतलब जो ये वाला एरिया है इसके उस तरफ बीच में रोड है, और रोड के उस तरफ जो लव स्ट्रीट वाला एरिया उसके बीच में इन्होंने एक ब्रिज बना दिया, उस ब्रिज से इसको जोड़ दिया है। अगर आपको ये विज़िट करना है तो फ्री कंसर्ट्स भी यहाँ पे होते हैं अक्सर। आप इसकी वेबसाइट roh.muscat.com करके, या आप रॉयल ओपरा हाउस मस्कत सर्च कर लें सिंपल गूगल पे, तो इसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप स्केड्यूल चेक कर लें। और इसके जो अगर आप पैसे वाले नहीं करना चाह रहे ओपरा वगैरह, तो फ्री वाले जो कॉन्सर्ट्स हैं इसके जो होते हैं और जो फ्री वाली जो इंटरटेनमेंट होती है तो वो आप अटेंड कर सकते हैं फ्री में, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चिल है, फन है, अच्छा है, आएँ इन्जॉय करें अगर आप हैं अवेलेबल तो, जाहिर सी बात है। और वैसे तो खैर टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे डेली, समझ लें कि जो गाइड्स होते हैं टूरिस्ट गाइड्स वो लेकर के आते हैं इन्हें, और उसके हॉल के अंदर का भी इन्हें जो है ना टूरिज्म पर्पस से ही सिर्फ अलाव है, तो हॉल के अंदर भी उन्हें वो एक्सेस देते हैं। लाइक मार्क विंस की आपने एक व्लॉग देखी होगी, जो फूड वाला व्लॉगर है, उसने अंदर की भी इसकी जो है ना वो सारी की सारी दिखाई हुई एम्पी थिएटर की फुटेजेस वगैरह, क्योंकि लेकिन उसके लिए स्पेशल परमिशन होती है, स्पेशल चीज़ें करनी पड़ती हैं। कंटेम्प्रेरी जो आर्ट है उसके बारे में मैंने पहली बार फ्रांस में सुना भी था और देखा भी था वहीं पे, क्योंकि जब मैं वहाँ था तो वहाँ पे एक बाकायदा पूरा प्रॉपर म्यूज़ियम था जो कि कंटेम्प्रेरी आर्ट का ही था। तो ये जो आर्ट है बेसिकली ये भी रॉयल ओपरा हाउस उसी कंटेम्प्रेरी आर्ट पे बनाया हुआ है, क्योंकि आप इसका आर्किटेक्चर चेक करें, राहदारियों के अंदर राहदारी और उसके अंदर फिर कॉरिडोर्स, फिर उसमें रेस्टोरेंट्स भी हैं, उसके अंदर जो है प्रॉपर कॉन्सर्ट्स के जो हॉल्स हैं वो बनाए हुए हैं। Thank you.
और ये ब्रिज अभी दो रोडों को जोड़ने वाली अभी बनाई है इन्होंने बीच में, तो इंटरेस्टिंग है, एक हाउस से दूसरे हाउस पे जोड़ दिया। और ये म्यूजिक चल रहा है, ये लाइव परफॉर्मेंस, प्योर ओमानी ट्रेडिशनल म्यूजिक है।